वेलकम बैक। इस वीडियो में हम मल्टी जॉब देखेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक न्यू रिपोजिटरी बनाते हैं और इसको हम गिटहब एक्शन का नाम दे देते हैं, क्योंकि हम जो भी अब करेंगे तो इसके अंदर बस एक रिपोजिटरी बना के इसमें ही डालते रहेंगे। और इसके बाद हम, और ये सिंपल सी एक रिएक्ट ऐप है, उसी को हम यूज़ करेंगे। क्लियर करते हैं और यहाँ से हम इसको npm init npm सॉरी git init करना था, git init। अच्छा, ये पहले भी बनी हुई है, तो हम इसको क्या करते हैं, git remote rm origin, और इसको करते हैं git remote add origin, यहाँ से कर लेते हैं। और हमें टोकन भी डालना होगा, git remote set url origin, और टोकन मैंने सेव रखा हुआ है यहाँ पर। और इसके बाद हम एक GitHub का फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर डॉट GitHub लिखते हैं इसको, और इसके अंदर एक और फोल्डर हमें बनाना होगा वर्क फ्लोस का, और इसके अंदर में कुछ फाइल बनानी होगी YAML की, न्यू फाइल मल्टी जॉब डॉट YAML। तो हमें मल्टी जॉब क्या होता है, पहले हम अभी तक जो कर रहे थे वो एक ही जॉब कर रहे थे, मतलब एक ही उसमें कर रहे थे, अभी हम करेंगे मल्टी जॉब, आपको समझ लग जाएगी कि क्या होता है। और सबसे पहले तो हम एक फर्स्ट जॉब बनाते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। और नेम हम इसको कोई देते हैं, वर्क फ्लो का नेम एक ही होगा, और इसको हम देते हैं मल्टी जॉब। और इसके बाद हमें ऑन करना होगा, मतलब इवेंट्स लगाना होगा, और हम इसको दो लगाते हैं, एक पुश लगा देते हैं, एक वर्क फ्लो डिस्पैच कर देते हैं, ये लास्ट वीडियो में देख चुके हम। और उसके बाद हम एक जॉब्स लिखते हैं यहाँ पर, और ऊपर मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं पुश के, इसलिए हमें वो एड दे रहा है। और जॉब्स आप, ये हमारी एक जॉब का नाम है, तो हम इसी तरह, ये अभी एक जॉब बना रहे हैं, इसी तरह हम दो जॉब बनाएंगे। तो पहले मैं देता हूँ फर्स्ट जॉब, इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप बहुत बड़ी, अगर आपकी YAML की फाइल है, तो आप मल्टी जॉब कर देते हैं ताकि आपको समझ लगे, वरना एक जॉब में भी सारा काम हो सकता है। और इसके दूसरे फ़ायदे भी हैं, वो हम आगे आगे जैसे ऐसे करते रहेंगे तो उसमें हमें देखते रहेंगे, सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करते हैं आपके। ज़्यादातर जो आम हैं, अगर आप एक सिंपल सी ऐप को डिप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता ये, क्योंकि हमें पता होना चाहिए इसका। और इसका रन ऑन करते हैं, और इसमें हम Ubuntu लेटेस्ट ही करते हैं, हम अपने उसमें सर्वर में इसको डिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसको सिर्फ समझना है। और स्टेप्स, अगर आपने लास्ट में तीन वीडियोस बना चुका हूँ GitHub एक्शन के ऊपर, अगर आपने नहीं देखी तो वो लाजमी देख लें स्टेप्स। और मतलब स्टेप्स, आप कोई भी इसको जो काम कराना चाहते हैं वो आप स्टेप देंगे इसको नेम। तो मैं इसको करता हूँ फर्स्ट
या मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट फर्स्ट जॉब, प्रिंट फर्स्ट जॉब, नाम कोई भी दे सकते हैं, एस दे दिया इसने, सिंगल मैंने देना है इसको, रन, और इको मैं करता हूँ इसको, और फर्स्ट जॉब लिखता। और इसके बाद हम अभी हमने ये कर लिया, ठीक है, अब समझे आपने, अब सेकंड जॉब बनानी है, हम इसकी सेकंड जॉब बनाते हैं। अभी हम सिंपल इसको समझ रहे हैं कि जॉब मल्टी जॉब किस तरह बनाते हैं, उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे ज़्यादा, सेकंड जॉब। और आपने बिल्कुल इसके सीक्वेंस में लिखना है, ये आप ये देखें, आपने बिल्कुल इसके सीक्वेंस में लिखना है। जब मैंने जो ये कोड किया हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड, इसमें ये लाइनें नहीं आती, अब पता नहीं ये ऑप्शन कहाँ से ऑन होती है, मैंने ऑन की थी लेकिन इसमें हुई नहीं है, थीम शायद दूसरा है मेरा। और इसके बाद हम करते हैं, तो इसमें भी हमें जैसे हमने इसमें किया था सेम चीज़ इसमें भी लगानी होगी, रन साउंड, मतलब इसको भी हमने किसी मशीन में ऑन करते हैं इसको, और इसको हम नाम देते हैं सेकंड जॉब, और सेम इसी तरह इसको भी इको करते हैं नेम लिख के, नेम और प्रिंट सेकंड जॉब, और यहाँ से हम इसको एंट्री करते हैं। उसके बाद इसको रन करते हैं, तो हमें एरर आ रहा है कोई, देख लेते हैं उसको बाद में। इको और सेकंड जॉब, तो हमने क्या किया है, गलती किया हमने, हमने रन साउंड किया है, अबंटू हमने लगाना था, अबंटू लेटेस्ट, हमने उसका अबंटू लेटेस्ट, ये हमें ऑप्शन नहीं दे रहा क्योंकि इसमें मिस्टेक है, नीचे भी हमने इसको गलती की हुई है, और हमने स्टेप्स नहीं लिखा, स्टेप्स, और इस को लाइन में लेके आते हैं यहाँ पर, ठीक है, चला हमारा ये बन गई है। और इसको हम सिंपल पुश करते हैं, और इसको सेव करते हैं सबसे पहले, और इसको सिंपल हम पुश करते हैं, उसके लिए हम गेट ऐड और गेट कमिट डैश एम मल्टी जॉब और गेट पुश करते हैं। ठीक है, हमें कह रहा है ये इस तरह करो, हम तो इसको इस तरह कर लेते हैं, और इसमें जाते हैं, और यहाँ से एक बार रिफ्रेश करते हैं, और इसके एक्शन में जाते हैं, ये देखिए दो दो मतलब जॉब रन हो रही है इसमें। अब ये हो रही है सिंक्रोनाइज मेथड में, मतलब जो अब सेकंड वाली पहले ख़त्म हो गई है, फर्स्ट वाली बाद में ख़त्म हुई है, मतलब जो सी पहले ख़त्म हो गई है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने इसमें कोई ऑप्शन लगाई नहीं थी, दोनों जॉब एक साथ शुरू हुई है, और ये सब सिंपल इसको रन किया हुआ इसने। तो हम इसकी और डिटेल देखते हैं, अब अगर हम इसमें ये लगा दें नीड्स और लिख देते हैं हम जॉब का नाम, लिखना है हमने कौन से में जॉब की नीड है, मतलब मैं लिख देता हूँ फर्स्ट जॉब, अब मैं फर्स्ट जॉब लिखता हूँ तो
पहले फर्स्ट जॉब कंप्लीट होगी, उसके बाद ये जॉब कंप्लीट होगी, क्योंकि ये नीट का मतलब यही है कि इस जॉब को इसकी ज़रूरत है, तो पहले ये ख़त्म होगी फिर ये आएगी। और इसको हम कंट्रोल एस करते हैं, दोबारा से इसको रन करते हैं। मैं कमिट का नाम चेंज नहीं कर रहा, सिंपल यही जाने दे रहा हूँ। और ये मल्टी जॉब रन हो रही है, देखें। अब देखें, पहले फर्स्ट जॉब कंप्लीट होगी फिर सेकंड जॉब कंप्लीट होगी। ये पहले फर्स्ट जॉब कंप्लीट हुई है, असल में यहाँ से मैंने रिफ्रेश नहीं किया था, तो पहले फर्स्ट जॉब ही कंप्लीट हुई है। वो आपको पहले सेकंड नज़र आ रहा था ग्रीन, लेकिन वो वही फर्स्ट जॉब है पहले कंप्लीट। देखें यहाँ पे 0 सेकंड आ रहा है, यहाँ पे 1 सेकंड आ रहा है। ये 0 सेकंड में कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद 1 सेकंड है, उसके बाद एक शुरू हुई है। तो कभी कभी रिफ्रेश करना पड़ता है। और जैसे मैं आपको अब दिखा देता हूँ, ज़रा इसको डिटेल में देख लेते हैं। अब इसी चीज़ को मैंने जो किया हुआ है, मैं इसी को क्या करता हूँ, यहाँ पर डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लेता हूँ। नेम इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, और इसमें हम करते हैं रन npm रन। और क्या हमें चाहिए, npm इंस्टॉल CI, और इसमें हम बिल्ड कर सकते हैं। तो इसमें आपको सही पता चलेगा, मैं बिल्ड नहीं कर रहा, बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा इसको ज़रा छोटा ही रखना चाह रहा हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ और इसको दोबारा से अब मैं करता हूँ npm CI मल्टी जॉब, ज़रा नाम दे देता हूँ। और इसको बैक करता हूँ, यहाँ से देखें। अब ये फर्स्ट जॉब पे काम हो रहा है, फर्स्ट जॉब हमारा एरर आ चुका है। फर्स्ट जॉब एरर आया हमारा, तो सेकंड जॉब हमारी चली ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट जॉब में अगर एरर आ जाए तो सेकंड जॉब हमारी चलती ही नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे गलती भी किया है। देखें मैंने npm लिखना था, मैंने cpm लिख दिया, तो मैं इसको npm करता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ और दोबारा इसको चलाता हूँ। और बैक करता हूँ यहाँ से, ये हमारा दोबारा एरर आ चुका है। अब क्यों एरर आया है देख लेते हैं। तो इसमें ये इसलिए एरर आया क्योंकि हमने इसमें एक्शन यूज़ नहीं किया। एक्शन मैंने आपको बताया था पहले भी, पैकेज होता है जो इसको कंट्रोल करता है। तो हम एक एक्शन लगा लेते हैं, चेकआउट का हमने एक्शन नहीं लगाया था, जो इस प्रोसेस को हमारे कंट्रोल करे। और नेम इसको लिखते हैं एक्शन, और इसके बाद हम यूजेस, और इसके बाद एक्शन एक्शन लिखना होगा, और चेकआउट एट द रेट ऑफ v3। कंट्रोल एस करते हैं इसको और दोबारा से इसको रन करते हैं। अभी ये सक्सेसफुली चलेगा। देखिए हमारी फर्स्ट जॉब चल रही है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारी फर्स्ट जॉब कंप्लीट हुई है, फिर सेकंड जॉब हमारी शुरू हुई है। देखें फर्स्ट जॉब कंप्लीट हो गई हमारी, अब सेकंड जॉब हमारी शुरू हुई है। और इसको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इसमें हम क्लिक करते हैं। ये हो गया, वो शायद ये हो गई है, ठीक है। हमारी ये दोनों जॉब चल चुकी है। तो मल्टी जॉब यही था सिंपल सा, और इस तरह हम काम कर सकते हैं। जैसे हम इसमें बिल्ड कर सकते हैं, इसमें इंस्टॉल डिपेंडेंसीज कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं इसको, इस तरह हम नीट यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टी जॉब में यही था बस।
कि आप इस तरह मल्टी जॉब यूज़ कर सकते हैं और अपना इस तरह काम आसानी से कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लंबा हो जाए तो इस तरह मल्टी जॉब यूज़ करके आप इस तरह अपना काम कर सकते हैं।